नेक्स्ट देखें कि एलिमेंट्री एजुकेशन. अब यू नो कि एलिमेंट्री एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ ग्रेड 1 to 6. एक उसमें कि 1 to 6 में शामिल होती है 8A to 8A13 इन कोरियन ईयर्स, 6 to 12 इन वेस्टर्न ईयर्स. ठीक. अब यह है कि जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं ना, स्टूडेंट्स लर्न द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स. अब बच्चे क्या क्या सीखते हैं, द करिकुलम डिफर्स फ्रॉम ग्रेड्स. ग्रेड वाइज जो डिफर होता है कि 1 और 2 ग्रेड्स में, फिर 3 to 6 ग्रेड्स हैं, देन 1 to 12 में. अब कि कोरिया में क्या होता है कि वहाँ पे ना ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे होता है, लिसनिंग पे होता है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. और नंबर 2 जो है वो किस पे फोकस होगा उनका, मैथमेटिक्स पे. नंबर 3 एक डिसिप्लिन लाइफ सिखानी है. नंबर 4 क्या होगा कि सेंसिबल लाइफ है. 5 इंजॉयबल लाइफ एंड फिजिकल. फिर उसके बाद जब एजुकेशन ग्रेड 6 3 to 6, ये 1 और 2 की बात थी उन्होंने बताई कि ग्रेड 1 2 पे ना कोरिया में क्या कुछ हो रहा होता है, कि वो कौन कौन सी चीज़ें सिखा रहे होते हैं. तो अब ये देखें यहाँ पर उन्होंने ये सारी बातें सिखा दी कि किस किस किस्म की एक्टिविटीज़ जो है कि 1 ईयर, जब ईयर 1 है तो वो ये कोरिया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग को देखेंगे. ईयर 2 में वो मैथमेटिक्स पर फोकस होगा. 3 में उनका फोकस होगा डिसिप्लिन लाइफ पे. और फिर जो है इसके बाद सेंसिबली वो उसका लाइफ किस तरह से स्पेंड करनी है, एंजॉयबल लाइफ कैसी होगी. अब जो आगे आ रहा है कि 3 to 6, पहले 2 ग्रेड्स में बता दिया उन्होंने कि इन 6 पॉइंट को फॉलो किया जाएगा. इसी तरह ग्रेड 3 to 6 की बात आ गई तो उसमें कोरिया वाले किस पे फोकस कर रहे हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इंग्लिश पे. अब मॉरल एजुकेशन आ गई है. मॉरल एजुकेशन के बाद सोशल स्टडीज़ को पढ़ाया जाएगा, मैथमेटिक्स को देखेंगे, साइंस है, आर्ट्स है, म्यूज़िक है, प्रैक्टिकल आर्ट्स हैं और फिजिकल एजुकेशन है. ठीक है. ये इस किस्म की जो एजुकेशन थी ना, मतलब कि 3 to 6 में ये है, जबकि 1 और 2 में जो सी थी वो ये सारी इस किस्म के सब्जेक्ट्स होते, ये सारी नॉलेज बकायदा उनको एलिमेंट्री लेवल पे प्रोवाइड की जाती थी कोरिया में. ये कोरियन की बात है. और उसके बाद जो है 3 to 6 लेवल पे वो इस तरह से हो जाएगी. तो ये आप लोगों ने. नेक्स्ट जापान आ रहा है. जापान में कहते हैं कि एंट्रेंस इनटू एलिमेंट्री स्कूल इज़ अ मेजर स्टेप इन चाइल्ड लाइफ. जापान जापनीज कहते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि वो एलिमेंट्री लेवल पे आ जाए, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल में उसका एडमिशन हो. प्रेपरेशन बीइंग बिगिन सेवरल मंथ्स इन एडवांस, पहले से उसकी तैयारी शुरू करवा दी जाती है उसके लिए. अब मदर अटेंड्स मीटिंग्स, मदर्स जो हैं मीटिंग्स अटेंड करती हैं स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल्स, जो कि स्कूल मुख्तलिफ स्कूल स्पॉन्सर कर रहे होते हैं. दैट हर चाइल्ड विल अटेंड, कि उसका चाइल्ड जो जिसमें उसने इसको एडमिशन करवाना है ना वहाँ पर. तो एलिमेंट एजुकेशन फ़िलासफ़ी एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस, वहाँ पर जो एलिमेंट एजुकेशन फ़िलासफ़ी है ना और टीचिंग प्रैक्टिस है वो किस तरह से होती है वो हम देखते हैं कि 2 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस अंडर लाई मच ऑफ जापानीज एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रैक्टिसेस. वहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं. पहली अजम्पशन क्या है, 1 इज़ दैट वर्चुअली ऑल चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू लर्न वेल. वो ये देखते हैं कि हर बच्चा अच्छे तरीके से सीख सकता है, हर बच्चे में एबिलिटी है कि वो लर्न कर सकता है. एंड टू मास्टर द रेगुलर स्कूल करिकुलम, और जो स्कूल का करिकुलम है ना उसको वो मास्टर हो सकता है, उसमें उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है उस करिकुलम को कवर करना. और जो सेकंड उसका कंसर्न है, सेकंड अजम्पशन है, वो ये कहते हैं कि कुछ हैबिट्स और कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जिनको हम सिखा सकते हैं. वो कौन कौन सी हैं, लाइक डेलीजेंस है, अटेंशन टू डिटेल है, वो आप सिखाई जा सकती हैं, बच्चों में डेवलप की जा सकती हैं. कुछ काम कहते हैं ना कि ये सिर्फ जो है मींस कि इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बच्चों को स्टडीज़ में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, उनको स्टडी में एक प्रॉपरली कि बहुत उनके लिए ना किसी डेलीजेंस लगन कैसे पैदा करनी है, वो सब कुछ हम सिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को. ऑल एलिमेंट्री स्कूल्स यूज एजुकेशनल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट बाय द जापानीज नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस. आप क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे ना जैसे हमारे यहाँ टीवी है, इस तरह वहाँ पर भी जो उनकी नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है ना वो प्रोवाइड करती है बच्चों के लिए एजुकेशनल टेलीविजन. और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ हैं, एथिक्स प्रोग्राम्स आर द मोस्ट पॉपुलर, इनको ज़्यादा फोकस किया जाता है उसमें. प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट वीकली फॉर ईच डिफरेंट ग्रेड, ये हर बच्चों के लिए ना डिफरेंट ग्रेड के बच्चों के लिए डिफरेंट प्रोग्राम वीकली उन्होंने सेट किए होते हैं.
एंड आर 15 मिनट्स लॉन्ग, और वो 15 मिनट लंबे होते हैं, 15 मिनट का एक जैसा सेशन होता है, 15, क्योंकि बच्चों का इतना टाइम स्पेंड, इतना सेशन, इतना वो नहीं होता कि वो बहुत देर तक किसी भी चीज़ के लिए फोकस कर सकें। अब बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थ्रू आउट एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, एक जो बेसिक क्वालिटी है ना सेकेंडरी और एलिमेंट्री एजुकेशन की, वो क्या है कि कॉन्टिन्यूइंग एम्फोसिस ऑन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये हम किस कंट्री की बात कर रहे हैं, हम जापान की बात कर रहे हैं, तो उनका बेसिकली जो फोकस है वो मैथ और साइंस पे है ज़्यादातर, कॉन्टिन्यूसली वो फोकस कर रहे हैं थ्रू आउट अपनी एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में। और जैपनीज कंसीडर दीज सब्जेक्ट्स द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड करिकुलम रिक्वायरमेंट्स। और जो जैपनीज है ना वो इस बात को फोकस करते हैं, वो ये समझते हैं कि ये तमाम के तमाम जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स सारे मतलब कि साइंस सब्जेक्ट्स और मैथमेटिकल जो सब्जेक्ट्स हैं, वो बच्चों के लिए ना उनकी एक एक्सटेंसिव ग्राउंडिंग उनके लिए, उनकी बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो, जैसे उनकी फ्यूचर बिल्डिंग बननी है ना, तो उस बिल्डिंग में जो बेस है वो सारी साइंटिफिक और मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स पे बेस करती है। मैथमेटिक्स इज़ वन ऑफ द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट ऑन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वहाँ पर जब यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होते हैं तो मैथमेटिक्स मस्ट है एंड हेंस रिसीव्स कॉन्टिन्यूइंग अटेंशन थ्रू ऑल ग्रेड्स। अब यह कि उसमें उसको ना तमाम ग्रेड्स के थ्रू ना उसमें जितने भी क्लासेस वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे मैथ्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जैपनीज जो हैं। कनाडा है, कनाडा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री ऑक्यूपाइंग द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। बहुत खूबसूरत जगह है कनाडा जो है। सो एजुकेशन इन कनाडा यूजुअली स्टार्ट्स विद किंडरगार्टन फॉलोड बाय ग्रेड्स 1 to 12। ये किंडरगार्टन से स्टार्ट होती है यहाँ पे एजुकेशन, और 1 से 12 क्लास तक होती है, ठीक है, बाय लॉ। चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 5 or 6। जब बच्चे 5 या 6 साल के होते हैं ना तो उनको बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं अनटिल दे आर बिटवीन 16 and 18, और तब तक वो 16 से 18 साल की उम्र तक के होते हैं जब तक वो स्कूल में एजुकेशन लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस ऑफ टेरिटरी। अब ये कहा जा रहा है कि सिंस कैनेडा इज़ अ बायलिंगुअल कंट्री, तो बायलिंगुअल कंट्री क्या होता है, बायलिंगुअल में क्या होगा कि इसका मतलब है कि दो लैंग्वेजेस वहाँ पे फोकस होती हैं, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज है और फ्रेंच लैंग्वेज। स्कूल्स आर अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री, सारे में स्कूल मौजूद हैं, इवन इन द एरियाज़ वेयर वन लैंग्वेज इज़ मोस्ट कॉमनली स्पोकन दैन द अदर, इवन वहाँ पे भी स्कूल मौजूद हैं जहाँ पर सिर्फ एक लैंग्वेज बोली जाती है। तो कनाडा में दो लैंग्वेजेस को फोकस किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को और फ्रेंच लैंग्वेज को। अगर हम प्री एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें कनाडा में कि वो कैसी है, तो प्री एलिमेंट्री प्रोग्राम्स इन कनाडा एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर टू यंग चिल्ड्रन, जो कि यंग बच्चों को, छोटे बच्चों को भेजते करते हैं 4 से 5 साल की उम्र के होते हैं, प्रायर टू डैट स्टूडेंट्स बिगिनिंग एलिमेंट्री स्कूल्स एट 8-6 आर ऑफर्ड बाई पब्लिक प्राइवेट एंड फेडरल स्कूल्स विद इन द कंट्री। जो उस कंट्री में पब्लिक या प्राइवेट या मुख्तलिफ जो स्कूल्स ओपन हैं वो ऑफर करते हैं बच्चों को ना स्कूल के प्री एलिमेंट्री प्रोग्राम, जो कि 4 से 5 साल के बच्चों को हम देते हैं, और हम नहीं देते हैं, कैनेडा वाले देते हैं। एज वेल एज स्कूल्स ऑफ द वर्चुअली एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड, और वहाँ पर ना जो बच्चे विजुअली एंड हेयरिंग इम्पेयर के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुनने और देखने की समात में कुछ ऐसा उनका प्रॉब्लम होता है, नहीं सुन पाते ठीक तरह से, देखने में मसला होता है, उनके लिए कुछ अलग किस्म के जैसे स्पेशल एजुकेशन के हवाले से जो स्कूल्स होते हैं ना वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट जो है प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं, ये प्री एलिमेंट्री की बात ही जिसमें 4 से 5 साल के बच्चों को लेते हैं, तो अब देखो जो प्राइमरी मतलब कि एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कैसी है कनाडा में, वो इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अभी तक हमने देखा कि तकरीबन जितने भी हमने कंट्रीज़ को डिस्कस किया वहाँ पे कंपलसरी है ये एलिमेंट्री एजुकेशन, यूजुअली बिगनिंग एट 6 to 7 विद ग्रेड 1, कि ग्रेड 1 से लेकर ना फिर 6 to 7 तक की एज में जितना, क्योंकि सबके लिए कंपलसरी है। स्टूडेंट रिसीव 6 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ग्रेड 1 through 6, कि 1 से 6 तक के जो ग्रेड्स हैं वो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन लेंगे, टिपिकली ब्रोकन डाउन टू द फॉलोइंग मैनर्स। उसको इस तरह से हम ब्रोक डाउन करते हैं कि ग्रेड 1 जो है उसमें एज होती है बच्चे की 6 से 7 साल, ग्रेड 2 में 7 से 8 होती है, ग्रेड 3 में 8 से 9 होती है,
ग्रेड 4 में 9 से 10, ग्रेड 5 में 10 से 11 और ग्रेड 6 में 11 to 12। ये इनका मतलब कि प्राइमरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है कनाडा की, उसके हवाले से बात है। तो द करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन, जो वहाँ पे करिकुलम है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट एरियाज़ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज उसमें होते हैं, लाइक मैथमेटिक्स है, रीडिंग है, लैंग्वेज आर्ट्स हैं, यूजली इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, बहुत फ्रेंच, फ्रेंच में भी हो सकेंगे, क्यूबिक में भी हो सकते हैं, सोशल स्टडीज़ है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, साइंस, म्यूज़िक, आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन, इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स मतलब कि ऑफर किए जाते हैं, वहाँ पढ़ाए जाते हैं। नेचुरली क्या होता है कि द डिफ़िकल्टी ऑफ सेट करिकुलम, जो करिकुलम उन्होंने बताया है उसकी जो मुश्किल है ना, वो सिर्फ इस सूरत में होती है, तब ज़्यादा होती है समवट विद एवरी पासिंग ग्रेड। लाइक वो जो एक करिकुलम पहले ग्रेड कम है, जैसे 6th क्लास है, तो उसमें वो उसका लेवल जो है ना ज़रा आसान होगा, सब्जेक्ट आसान होंगे, उसका कंटेंट आसान होगा, लेकिन ऐसा ऐसा वो मुश्किल होता जाएगा जैसे जैसे उसके ग्रेड्स बढ़ते हैं। एज स्टूडेंट्स लर्न टू मास्टर न्यू स्किल, जैसे कि स्टूडेंट्स को न्यू स्किल सीखनी होती है तो वो फिर सीखते जाते हैं उसमें। अच्छा, इसमें जो था ना रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो इसके हवाले से अगर हम देखें कि ओवर द पास्ट ईयर्स प्राइवेट सेक्टर हैज़ इमर्ज एज अ की प्रोवाइडर ऑफ एजुकेशन सर्विसेज इन पाकिस्तान, बोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स एंड रिलेटिव टू द पब्लिक सेक्टर। अब ये देखो कि पाकिस्तान में जो पब्लिक सेक्टर है वो भी अपनी सर्विसेज उसी तरह से प्रोवाइड कर रहा है जैसे गवर्नमेंट सेक्टर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज भी वहाँ पर एजुकेशन ले रहे हैं। अगर 70% हैं उसमें, किसी उसमें आ रहे हैं, तो फिर आप देखोगे कि 30 या 40% जो होते हैं ना वो उसमें भी आते हैं प्राइवेट सेक्टर में। वन पीस ऑफ एविडेंस रिलेट्स टू द नंबर ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को अगर हम देखें तो उसका 69% था, बाय 69% एज कम्पेयर टू द मेयर 8% इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, के वहाँ पर जो था ना इसका रेशो 69% हम देखें कि इसमें इजाफा हुआ, लाइक एज कम्पेयर टू मेयर 8% इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कि 8% इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन 69% जो है वो स्कूल्स प्राइवेटली वर्क कर रहे हैं। बिटवीन 1999 में 2000 और फिर 2007 to 2008 में, अब 2000 में क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर वॉज कैटरिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ अबाउट 6 मिलियन चिल्ड्रन, कि 6 मिलियन चिल्ड्रन 2000 में वो फुलफिल की जा रही थी बाय पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर सॉरी, दिस नंबर इंक्रीज टू 12 मिलियन, तो ये 12 मिलियन हो गया 7 to 8 में, इक्वलेंट टू 34% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल इन्वॉलमेंट, इन्वॉलमेंट मतलब जितने बच्चे इनरोल्ड हैं एजुकेशन में, एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो उसमें क्या है, तो वो ज़्यादातर आप देखो कि कितना परसेंट जो है वो आ रहा है, जो हमारा अंदाज़ा था कि 30 to 40% के करीब है, तो 34% बना 7 to 8 में। और अब तो देखें कौन सा ईयर जा रहा है, 2020 है ये, और 2020 इट्स एंडेड नाउ, तो उसमें कितना ज़्यादा अब मज़ीद पब्लिक सेक्टर जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है मज़ीद डे बाई डे। अब यहाँ पे देखें कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात दोबारा से आ रही, रेफर द प्राइमरी एजुकेशन और यूनिवर्सल एजुकेशन दैट इज़ द मोस्ट बेसिक एंड फाउंडेशनल लेवल इन एजुकेशनल प्रोसेस विच इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल एंड हाईली सेंसिटिव। हमें पता है कि हाईली सेंसिटिव है ये लेवल जो है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर एजुकेशन के लिए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन बिल्ड्स फाउंडेशन फॉर द टावरिंग बिल्डिंग ऑफ अ मैंस पर्सनैलिटी, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के लिए, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सनैलिटी जो है ना वो एक बिल्डिंग है, सो उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसके जो बेस है, वो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और उस सिलसिले में क्या है कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स जो हैं बहुत काम कर रहे हैं। सो दिस ऑल वॉज अबाउट एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बारे में था, उसका कंपेरिजन हमने देखा, उसके स्कोप को देखा, तो होपफुली कि आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा सब कुछ।